कर रही है स्वच्छता अभियान पर। आप भी जानते कितना स्वच्छता अभियान, लेकिन अगर यही दायित्व इस देश के ज्योतिषियों को दे दिया गया होता और उसके साथ में वो वास्तु जोड़ देते तो निश्चित रूप से अमूल चूक परिवर्तन होता है। और अभी भी सरकार के समय है कि इनका सही उपयोग सही दिशा में राष्ट्र के निर्माण में लगा सकते हैं तो लगाएं। और ये आज हम लोगों ने निर्णय किया है कि राष्ट्र के निर्माण में हम लोगों का योगदान रहेगा और उसमें जैसे स्वच्छता अभियान का चल रहा है तो अगर सरकार जहाँ नगर निगम है जहाँ पर कॉरपोरेशंस हैं तो वो लोग अगर हम लोगों को बुला करके तमाम तो एक दिशा दे सकते हैं, मीडिया के माध्यम से दिशा दे सकते हैं कि आपके घर में ये अगर ऐसा है तो ऐसा करें जाकर कि जिससे आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आपका बच्चा बात नहीं मान रहा है तो किस प्रकार से बात मानेगा, ये सारी सब चीज़ें आज हम लोगों ने निर्णय शिखर ज्योतिष पुरुष अरुण बंसल जी के निवास पर किया है। और ये लगातार क्रम हर महीने की बैठक में होता रहेगा और एक नई दिशा, एक ज्योतिष को जो पहचान बनी है, जो टुकड़ों टुकड़ों में रिसर्च हो रही है, उनको एक सामूहिक रूप में काम होगा। अलग अलग देश में करीब 5000 से ज्यादा ज्योतिष की संस्थाएं हैं, अलग अलग लोग रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो है ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं पिछले 50 सालों से। ये निर्णय आज हम लोगों ने लिया है कि हम लोग सामूहिक रूप से इस बकरी शनि में, क्योंकि शनि को हम लोग न्यायप्रिय ग्रह मानते हैं, तो इस बकरी शनि में यह निर्णय लिया गया कि हम भारत सरकार से सामूहिक रूप से एक मांग करेंगे कि ज्योतिष को एक बोर्ड बनाया जाए, जिस प्रकार से तरह तरह के बोर्ड बनाए गए हैं और जिस प्रकार से वकालत करने के लिए डिग्री का आवश्यकता है, ज्योतिषियों के लिए ही बोर्ड एक निश्चित मापदंड निश्चित करे, उसमें सरकार का एक अधिकारी, एक राज्यमंत्री का स्तर का केंद्र का व्यक्ति हो जो सही दिशा में देश के निर्माण में करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं मौसम के लिए और हमारे पंचांग में लिखा हुआ मौसम, ज्योतिष की पत्रिकाओं में लिखा हुआ मौसम अक्षरशः सच होता है, जबकि आपकी मौसम विज्ञान का वर्षा के साथ में छींटे बनेंगी उस दिन बहुत भयंकर गर्मी होती है, प्रायः ही देखा गया। जब ये कहीं कुएं वगैरह खुदवाते हैं, नलकूप लगाते हैं तो कंकड़ निकल आते हैं, कहीं तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिषियों का अगर उपयोग सरकार करती है तो राष्ट्र का धन भी बचेगा, समय भी बचेगा और देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण सहायता।